के 5 बज रहे हैं और हम लोग सो सो के सारे लोग उठ गए हैं, सब रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ से निकलने के लिए आज हम लोगों का पूरा दिन घूमने वाले का है। तो अभी हम लोग सुबह नहा धो के तैयार हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 6:30, तो हम लोग अपने टाइम पे ही हैं। पहले आपको रूम टूर दे देते हैं। तो हम लोग जिस कॉटेज में रुके हैं वो बहुत ही सही है, 3 BHK है ये। तो ये है हमारा रूम कंट्री, एक यहाँ काउच पड़ा है और TV, वार्डरोब, वैनिटी मिरर और एक रूम ये है। और हाँ चलें, और ये मास्टर बेडरूम और एक ये रूम, बस दैट्स ऑल। सुबह सुबह ये बादल ही जाते रहते हैं यहाँ, क्या नज़ारा है। तो अभी अपन निकल चुके हैं और सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ट्राईपॉड कहाँ है भैया? हाँ ठीक, तो वो चाय की टपरी पे रोकते, चाय पीते बढ़िया है ना। चलो फिर चाय पी के चलते हैं। कैसा लग रहा मौसम? मौसम तो मस्त है यार, बस मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आ रहा है, बस बारिश ना हो। ऐसे ही रहे मौसम, बहुत ऐसे ही रहे, बारिश ना हो तो एकदम मस्त ब्लॉग बनेगा। हाँ। बारिश होगा तो भाई ब्लॉग नहीं मिल पाएगा। कोई ब्लॉग नहीं, भगवान से प्रे करो बारिश ना हो। सही बात है। तो चलो भाई, चलो चलो चलो, तो अभी हम लोग चलते हैं, लेट्स गो। भाई क्या नज़ारा है यार, ये देखो पीछे। हमको ऊटी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर, ज़्यादा अच्छा है। हाँ ऐसा लग रहा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ का अलग वाइब है थोड़ा। बाइक से होते ना। हाँ तुम लोग कार से रहते। हाँ हमको पकड़ ही नहीं पाते। हाँ वो 400 CC बाइक है ना। 400 CC की बाइक की बात नहीं है, बाइक में थोड़ा मजा भी आता, कॉन्फिडेंस रहता है। तो कॉन्फिडेंस भी है और इसमें साला स्लिप करने का टेंशन रहता है, छोटा छोटा पहिया। हाँ और उसमें क्या है कि मेरे को फील नहीं होता गड्ढा वड्ढा, तो कूदा देते इधर कहीं से भी कूद के लेके भाग जाते, फिर पता चलता तुम लोग पीछे रह गए। एक ही यहाँ से चले गए राजा सीट, राजा सीट गार्डन वापस आके देख लेंगे। गार्डन ही है क्या मार रहा भाई, कहा चाहिए पता क्या हुआ। राजा सीट देख के चलेंगे तो अबे फॉल पे भीड़ हो जाएगी। ट्राइपॉड एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत लोग देख के इसको तुरंत पूछते ये क्या कर रहा भाई। अबे ब्लॉगिंग कर रहा है जे। पीछे से वो चिल्ला रहे, हूटिंग कर रहे थे। मेरा सही है, ब्लॉगिंग कर रहा है। तो ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, बैठ के तुम लोगों को क्या दिखाएंगे यूट्यूब पे फिर है। इसीलिए तो आए हैं। क्या रह गया भाई, लोग आते आते हैं दारू पीते हैं, लोग आते हैं मजे करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तुमको भी दिखाते हैं, वो अच्छा है ना, ये अच्छा है। हमारे साथ आप भी दुनिया घूम रहे हैं। हूटिंग करने से कोई फायदा है? से नो टू हूटिंग, बैन हूटिंग। इधर से एक मिनट। हाँ जहाँ इधर इधर यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो कल हम लोग यहीं रात में टहल रहे थे, डर डर के भाई कैसे लेकर आए थे हम यहाँ पे गाड़ी, स्कूटी में ऐसा लग रहा। अभी कुछ खुला ही नहीं यहाँ तो। अच्छा या ये माल रोड वाला बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। यही यही ऊपर ही ऊपर चल के इधर सामने कोई रास्ता जा रहा है, झोपड़ी के बगल से। हाँ कार में वो फील नहीं आ पाता, कार में केवल उसको फील आता है जो चला रहा होता है, उसको भी पूरा ये वाला उसको टेंशन रहती है सामने बैठ के। कार में बहुत टेंशन रहता है, बाइक आगे पीछे देखना इधर उधर उसमें बहुत टेंशन रहती है। इस समय अपना चल दिया मस्त आराम से। ए भाई बहुत बहुत ज्यादा कर्व होंगे इसमें। जीप सफारी यहीं होती है, यहीं से शायद ये, क्योंकि जीप पे ही है, यहीं दिख रही है। और मंडल पट्टी के लिए रोड ये है नीचे वाला, हम लोगों को सामने नीचे वाला मंडल पट्टी के लिए।
लोग अपने भाई लोग आ रहे हैं पीछे। वो तो पुरानी वाली थार है यहाँ सबके पास। हाँ कमांडर। हाँ जीप कमांडर। दोस्तों बारिश आ गई है खतरनाक। ये ऐसे बादल जाते रहते हैं ना, दिख नहीं रहे बादल, जैसे केदारनाथ में जाते हैं तो वो भिगा के जाते हैं। तो हमारे साथ के लोग ये देखो आ रहे हैं मस्त। ये इतनी दूर से आए कर रही है। अभी हम लोग पहुंचने वाले, पहुंच गए ऑलमोस्ट 700 मीटर है। हाँ ये घुमाता रहेगा ऐसे ही। लग रहा है वाटरफॉल आ गया। आगे आगे इधर कहीं आवाज आ रही, यहाँ कहीं से इधर ही साइड है, सीधे ही है स्ट्रेट, वहां पे पार्किंग होगा। बारिश आगे, अभी अपन आगे नहीं जा सकते है? आगे नहीं जा सकते। अभी पहुंच चुके हैं सेम साथ में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ एबे फॉल्स, और अब पार्किंग करना पड़ेगा। किसको रेनकोट चाहिए? मैंने भाई को धोखा दे दिया। कितना ले लिया? 50। अच्छा इसीलिए यहाँ पे सनराइज व्यू पॉइंट नहीं है, कहीं पे होता ही नहीं है। देखो सन तो दिख ही नहीं रहा। यही है पार्किंग यार। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एबे फॉल्स पे, एक बार देख लें। तो तब तक ये लोग पार्क करें गाड़ी, और पार्किंग तो दिख रहा है आगे। जाना कहाँ है भाई? फॉल्स का आवाज आ रही, उधर तो आ रही थी वो बारिश की आवाज लगी। आसपास कहीं तो फॉल्स है और बहुत फेमस है, पर कहाँ है भाई? सनराइज हो रहा, ये ऐसा सनराइज है। पार्किंग तो ये है, और आगे से ही शायद जाना पड़ेगा। इस साइड दिखा रहा था मैं आपने, कहीं इस साइड। आप किधर जाना है भाई? ये सो बोलो हाय गाइस, स्टे ट्यून। हेलो गाइस, फ्रॉम फ्रॉम ये मेरे मुंह से निकलता है ऊटी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एबे फॉल्स पे, और हमारी गाड़ी पार्क कर दी हमने, और अभी हम जा रहे हैं फॉल्स देखने। क्योंकि अभी दूर से, बहुत दूर से तो आवाज़ आ रही थी, बाद में पता चला कि वो आवाज़ तो बारिश की है। तो देखते हैं कितना क्या ट्रैक वैक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा टिकट काउंटर एंट्रेंस के लिए। तो चलो इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं एबे फॉल्स, यहाँ से एंट्री है।
तो यहाँ पे 10 रुपये एंट्री टिकट है, ये एबे फॉल्स की एंट्री है, और 20 रुपये बाइक का पार्किंग है और 50 रुपये कार का पार्किंग है। तो 10 रुपये एंट्री टिकट। ए भाई वाह, अभी पूछे ना आप, तब हमने देखा, पता है वापस में पूछते। वन बाइक वन कार। चलो, तो यहाँ से 300 मीटर से आना हम लोगों को, अभी अभी जानकारी ली हमने। नहीं झूठ नहीं पूछ क्या है भाई, ये फेंसिंग क्यों कर रखी है, जानवर वानवर आते रहेंगे भाई, क्या घना जंगल है। हाँ, और छतेन भाई कैसा लग रहा तुमको आके? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एकदम अबे साले फॉल्स में आए हैं। अबे साले फॉल्स, गुस्से में इधर उधर निकल जा। माफ कीजिए भाई, तुम वाकई जादुई हो एकदम। भाई सही हो, तब से हो ही नहीं रहा। अभी दिखाएं जादू? नहीं इतना मत करो, ताकि पकड़ा जाओ। अबे क्या है भाई, खतरनाक है भाई, अच्छा लग रहा पता ना, लॉन्डे अच्छे हो गए फिर तो सीन। एक रूम में काफी है भाई, यहाँ का जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होता है वो अनामलाई में होता है, केरला का हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया। लेकिन जब यहाँ इतना बारिश, हाँ तो वो वेस्टर्न घाट का पीक पॉइंट है अनामलाई। क्यों, सबसे पहले जो इंडिया में मानसून आता है ना, वो यहीं पे आता है, पूरे टाइम बारिश गिरेगा तो बारिश रहता है सब यहाँ जमी है पेड़ों में। यहाँ ये कचरा नहीं है, ये कॉफी प्लांट है, यही है भाई, यही है। हाँ बहुत सारे लोकेशन में तो यही समझ नहीं आता है, ये कॉफी प्लांट है, तुम वहाँ जाओगे ना चिकमंगलूर। हाँ पानी ही आ रहा था, नहीं नहीं वो वही था, पानी ही था, छोटी सी नदी। ओ भाई क्या सही लग रहा है यार, फर्स्ट टाइम तो हम फॉल्स देख रहे इतने पास से, मुझको ये बिल्कुल नहीं सही लग रहा भाई, एक बार नजारा जब आएगा ना मजा आ जाएगा। आह यार वाह, अबे साले फॉल्स का सही हो गया, सही में अबे फॉल्स नहीं है यार तो नाना। यही देख रहा है उसका फ्लो, सब अपना अपना मोबाइल। एबे फॉल्स कूर्ग कर्नाटक, तो ये मडिकेरी में है भाई, क्या सही लग रहा है। कभी यहाँ बाढ़ वाड़ आई होगी ना तो ये झूला है ना ये खराब हो गया। फोटो सेशन चल रहा है और ये सामने फॉल्स, तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, काफी फोटोज ले ली, अभी भी फोटो सेशन चल रहा है, पीछे भाई ने भी ले ली, तो लेट्स गो, अभी चलने का टाइम आ गया। यहाँ से जा रहे हैं मंडल पट्टी, वहाँ चलेंगे, वहाँ करेंगे ऑफ रोडिंग, फुल ऑन ऑफ रोडिंग, बस हमारा फोन जो है ये साथ देता रहे, डिस्चार्ज ना हो, बाकी वरना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और पुल रहा होगा भाई, देखिए अब खत्म हो गया, लेकिन कितना रिस्क है यार। एबे फॉल्स तो कूर्ग का काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, अगर कोई आना चाहे तो सबसे मस्त विजिट प्लेस है, आ सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वापस मंडल पट्टी की तरफ, वहाँ पे हम लोग जीप राइड करेंगे, और यार ये लोग रुक जाते हैं साबुन स्लो। यहाँ से यार ये पीछे जो दिख रहा ना, ये ऊपर साइड बहुत सही दिख रहा है, ऊपर वाला बहुत प्यारा है, वो छोटा है लेकिन प्यारा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है उधर। भाई जब कोट पहनते हैं हमारे तो बारिश बंद हो जाती है, कल से ऐसा हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट है भाई, अचीवमेंट है ये, अचीवमेंट है। और यहाँ पे हम सस्ता सैम कोल्डर बनने कूर्ग मैन ऐसे ही मस्ती करते हुए अपना सस्ता सैम कोल्डर बनने कोशिश कर रहा था, ये सब सस्ता सब मेरा
सब सब फैशन मॉडल सब था, सस्ता सस्ता सब लेके आए थे, 5-5 रुपया दे के लाए सबको। अभी ऐसे ही मस्ती करते हुए अपना निकल रहे यहाँ पे भाई। हम लोगों ने कल से कुछ नहीं किया, कुछ कहीं नहीं घूमे। आज ये पहला हम लोगों का पॉइंट था जो हम लोग देखे आए यहाँ पे। इसके अलावा पहल के केवल मस्ती चल रही, भयंकर मस्ती। कल हम लोग जिस जाम में फंसे थे ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग मस्त मौज है। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं और कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं या कुछ भी मिल जाएगा तो। यार यहीं से पास में ही मंडल पट्टी है तो वहाँ चलते हैं। भाई भाई ये देखो ये तो है ना, उसी से निकला है कॉफी बीन, यही बहुत पक जाएगा ना वो कॉफी बनेगा। सही है, हम ये वहाँ देखे थे ना, वहाँ ऊटी से लेकर आए थे, तब वो वैसे ही बिल्कुल छोटा छोटा दे दिया था। हाँ सुन रहे, क्या करें बता, इडली डोसा। चलो फिर आगे टाइम लगेगा बस, लेकिन तो फिर आगे ही देखेंगे ना, वहाँ घूमते हैं, वहाँ पे शायद मिल जाए, नहीं तो फिर ऊपर तो सिक्किम में अब तो इडली डोसा अच्छा मिलेगा ही। अभी हम लोग एक स्टॉप पे रुके हैं और यहाँ पे इडली वगैरह लेने की सोच रहे हैं, खाना ब्रेकफास्ट करने की। तो अभी खुली हुई है, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, धीरे 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 आज आओ, बस 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 बस। तो इस होटल से ये व्यू है कॉफ़ी प्लांटेशन का पूरा नीचे तक। हैप्पी बर्थडे बजाना। हाँ सच्ची, हमने पता है कि बर्थडे के लिए सीखा था हैप्पी बर्थडे बजाना, ये बस वही आता है।